Hello guys, welcome to Zenomatics. This video is about constructing bisectors. We're going to see two constructions. One is a perpendicular bisector, the second is an angle bisector. So let's start with quickly. Perpendicular bisector ke liye aapko sirf compass chahiye. Take a compass, uske andar पहली बात मेक श्योर व्हेन यू आर यूजिंग अ कंपास आपकी पेंसिल जो है वो वेल शार्पन्ड हो और बैलेंस्ड हो. कंपास को ओपन करेंगे हम, दो पॉइंट्स के बीच पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है हमेशा. इन दो पॉइंट्स का जो आपस का डिस्टेंस है उसके हाफ से ज़्यादा कंपास ने ओपन हुआ होना चाहिए. कितना ज़्यादा होना चाहिए इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपकी आर्क्स जो है वो मीट नहीं करेंगी. सो आप अपनी कंपास को ओपन करें, पॉइंट ए के ऊपर रखें और एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करें जो ए और पॉइंट बी में से गुजर रही है. हमने इस लाइन के अक्रॉस आर्क्स लगानी होती हैं. सो एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करें, पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखेंगे, एक आर्क ऊपर वाली तरफ लगा देंगे और इसी कंपास से एक आर्क नीचे वाली तरफ लगा देंगे. अब जो कंपास का साइज़ है हम नहीं चेंज करेंगे. एंड नाउ प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट बी, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे और ये जहाँ पे दोनों आर्क्स कट करेंगी ये फाइनल पॉइंट्स होंगे. इनको स्ट्रेट स्केल से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा. सो इनको हम अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहते हैं, गोइंग टू ज्वाइन दम विद द लाइन एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. समटाइम्स आर्क्स डू नॉट मीट ईच अदर, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं. आप दोबारा पॉइंट ए के ऊपर रख के अपनी प्रीवियस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं और वो उस पॉइंट के ऊपर कट करना शुरू कर देगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ लेट्स ट्राई एन एंगल बाइसेक्टर. फॉर एन एंगल बाइसेक्टर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए किस वर्टेक्स के ऊपर आपने एंगल बाइसेक्टर बनाना है. अब यूजुअली पेपर के अंदर उन्होंने दो लेंस मेंशन की होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए कि किस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है, तो वो यूजुअली एंगल बता देते हैं या फिर वो दो लेंस के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जांपल लिखा होगा ए बी एंड ए सी. अगर ए बी एंड ए सी लिखा हुआ है सो इन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट कॉमन है वो पॉइंट ए है. सो हम पॉइंट ए के ऊपर रख के एंगल बाइसेक्टर बनाना सीखते हैं. सो हम ए के ऊपर रखेंगे, कंपास ओपन करेंगे. कंपास कितना ओपन करना है ये टोटली हमारी मर्जी है. सो एक डिसेंट अमाउंट हमेशा 1 to 2 centimeters तक के लिए कंपास ओपन कर लें, पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे और इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे कि वो जो दोनों नेबरिंग लेंथ्स हैं उन नेबरिंग लेंथ्स को कट कर दें. सो ए के ऊपर कंपास रखा, अपनी मर्जी के साइज़ का ओपन किया, दोनों साइड्स वाली लेंथ्स को हमने कट कर दिया. अब कंपास साइज चेंज ना कीजिएगा और कंपास को जहाँ पे पहली लाइन को कट किया वहाँ पे रख के आगे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करें, जहाँ दूसरी लाइन को कट किया है वहाँ रख के आगे की तरफ को एक आर्क ड्रॉ कर दें. ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मीट करेंगी इस पॉइंट को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर. दिस लेंथ इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर. तो हमारे पास दो बाइसेक्टर्स हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और एक एंगल बाइसेक्टर होता है. सो ये दोनों की कंस्ट्रक्शन है, दिस इज़ वेरी नेसेसरी. ये आपको दो चैप्टर्स में काम आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन में, वो ओ लेवल्स का भी है और IGCSE का भी है. और दूसरा चैप्टर जो है जिसमें ये काम आएगी आपको वो है लोसाई का. वो ओ लेवल्स का पार्ट तो है 4024 का, लेकिन वो IGCSE का पार्ट नहीं है. सो मेक श्योर बिफोर यू गो टू योर एग्जाम यू नो दीज कंस्ट्रक्शंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.